विश्व के सभी मेरे साथियों को राजरत्न अंबेडकर की ओर से जय भीम नमो बुद्धाय। द बुद्धानिस धम्मा के 48वें एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम द बुद्धानिस धम्मा के बुक 3 का पार्ट 4 शुरुआत करने जा रहे हैं। पार्ट 4 का नाम है कि व्हाट इज नॉट धम्म। अब तक कल तक के भाग में हम लोगों ने धम्म क्या है ये देखा। आज से हम 8 दिन तक यानी 8 चैप्टर्स हैं, 8 चैप्टर्स देखेंगे कि धम्म क्या नहीं है, जिसे हिंदी में अधम्म कहा गया है। तो वो अधम्म क्या है या जो धम्म नहीं है वो, उनके अलग अलग चैप्टर्स हम देखेंगे। तो चलिए आज के इस भाग की शुरुआत करते हैं और पहले चैप्टर को हम अध्ययन करने के लिए जारी करते हैं। पहला चैप्टर व्हाट इज नॉट धम्म, धम्म क्या नहीं है, उसका पहला चैप्टर है। पहले चैप्टर का नाम है बिलीफ इन द सुपर नेचुरल इज नॉट धम्म। सुपर नेचुरल का मतलब है अलौकिक शक्तियों में विश्वास या पराप्राकृतिक चीजों में या जो निसर्ग के विरुद्ध है, ऐसे चीजों में विश्वास रखना ये धम्म नहीं है। जब भी कोई घटना घटित होती है तो ह्यूमैनिटी, इंसानियत, मानव जाति को वो हमेशा वो ये जानना चाहती है कि ये घटना क्यों घटित हुई, इस घटना के पीछे क्या वजह है। हमेशा मानव जाति के मन में ये सवाल निर्माण होता रहता है। जब भी कोई घटना घटित होती है तब उनके मन में ये सवाल आता है, और ऐसी घटना घटित होने के बाद कभी कभी कारण और परिणाम ये इतने नज़दीक होते हैं, ये इतने समीप होते हैं कि उसका पता लगाना ये इंसानों को कोई मुश्किल नहीं जाता। इंसान इसका आसानी से पता लगा लेते हैं। लेकिन कुछ घटना, ज़्यादातर घटना ऐसी होती है जिसका कारण और परिणाम ये बहुत दूर, बहुत विस्तार से ये दूर गया हुआ होता है, इसलिए इंसान उस परिणाम का, उस घटना के पीछे के कारण का, कारण की वजह वो जान नहीं पाता। जाहिर है तो वो उस परिणाम को, जो कारण जिसका कोई कारण ही नहीं है ऐसा दिखाई पड़ता है, वो ऐसा सोचता है कि ऐसी घटनाओं का कोई कारण ही नहीं। फिर उनके मन में ये सवाल उत्पन्न होता है कि आखिरकार ये घटना घटी कैसे, जिस परिणाम को वो जान नहीं पाते कि इसकी वजह क्या है। तो वो उनके मन में ये सवाल पैदा होता है कि ऐसी घटना घटी कैसे। सर्वसामान्य जवाब ये होता है कि ऐसी घटना ये किसी अलौकिक पराप्राकृतिक कारण के वजह से घटी है, ये सर्वसाधारण सामान्य जवाब होता है, और इसे ही चमत्कार का नाम दिया गया है। बुद्ध के पहले जो दार्शनिक, बुद्ध के पहले होकर गए थे जो फिलोसोफर्स होकर गए थे, तत्वज्ञानी, उनमें से पाखुद कात्यायन, इसका ये कहना था कि सभी घटना जो है इसके पीछे कोई कारण नहीं होता। सभी घटना, सभी ये स्वतंत्र होती है, उसका मानवों से कोई लेना देना नहीं है, वो स्वतंत्र होती है। इस तरह से उन्होंने घटना के पीछे कोई कारण होता है ये सिद्धांत ही उन्होंने इनकार कर दिया था। मक्खली गोसाल, तथागत बुद्ध के पहले के ये दार्शनिक थे, उन्होंने ये स्वीकार किया कि ठीक है घटना के पीछे कोई कारण है, लेकिन उस कारण का इंसानियत से कोई संबंध नहीं है, मानव संस्था से, मानव जाति से उसका कोई संबंध नहीं है, और इसका जवाब मानव संस्था में नहीं खोजना चाहिए, इसका जवाब जो है ये निसर्ग में, धर्म में, इंसान की जरूरत में और आवश्यकता में, इस तरह से वस्तुओं के विहित कानूनों में, भाग्य और आदि जैसे चीजों में इसका कारण ढूंढना चाहिए, इंसानों से इसका कोई लेना देना नहीं है। तथागत बुद्ध ने इन सिद्धांतों को, ये मक्खली गोसाल, गोसाल और पाखुद कात्यायन, इनके सिद्धांतों का तथागत बुद्ध ने पूरी तरह से खंडन किया। उनका ये मानना था कि कोई भी घटना, केवल
उसके पीछे कोई कारण ही नहीं होता, कारण तो होता ही है लेकिन सिर्फ कारण ही नहीं होता, बल्कि ऐसी घटनाओं घटना इंसान के कृति का ही परिणाम होता है। यानी हर घटना के पीछे कारण तो होता ही है लेकिन वो इंसानों के कृति का भी परिणाम है या फिर निसर्ग के कृति का वो परिणाम है। उनका वक्त, जैसे मक्खली घोषाल ने बताया कि वक्त के ऊपर निर्भर होता है, तथागत बुद्ध का मानना था कि वक्त, निसर्ग, धर्म ऐसी और अन्य घटनाओं में ये घटना घटित होने के पीछे का ये एकमेव कारण नहीं हो सकता। अगर इन्हीं के ऊपर निर्भर ये सारी घटना है तो फिर हम कौन है, हम लोगों का क्या काम है, फिर हम लोग कौन है? और इंसान सिर्फ वक्त, निसर्ग, धर्म और ऐसी चीजों के भाग्य, इन चीजों के हाथों की अगर कठपुतली बना रहता है तो फिर उसके अस्तित्व का उपयोग ही क्या है? क्या वो सिर्फ वक्त के हाथों की कठपुतली है? और अगर इंसान मुक्त है तो फिर उसकी बुद्धि का क्या उपयोग है, उसकी बुद्धि का उपयोग क्या है? अगर वो ऐसे परालौकिक और अलौकिक पराप्रकृति में विश्वास करता है तो उसके बुद्धि का उपयोग क्या है, उसके इंटेलिजेंस का उपयोग क्या है? अगर मनुष्य मुक्त है तो हर एक घटना या तो मनुष्य के कार्य का परिणाम है या तो निसर्ग के कार्य का परिणाम है। ऐसी कोई घटना नहीं हो सकती जो मनुष्य या निसर्ग के अलावा कोई अलौकिक घटना इसकी उपज कर सके, इसका निर्माण कर सके, ऐसी कोई घटना अस्तित्व में नहीं होती। ऐसा हो सकता है कि शायद मनुष्य को उस घटना के घटित होने के पीछे का कारण वो खोज नहीं पाया हो, ये हो सकता है कि वो इंसान उस कारण को ढूंढ नहीं पाया, लेकिन अगर वो बुद्धिमानी है, अगर उसमें इंटेलिजेंस है तो एक ना एक दिन वो इसका कारण खोज लेता है। अलौकिक घटनाओं का खंडन करने के पीछे तथागत बुद्ध के तीन उद्देश्य थे, तीन एम्स थे। पहला उद्देश्य तथागत बुद्ध का ये था कि इंसान ये तर्क के मार्ग पर चलना चाहिए, तर्क के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। उनका दूसरा उद्देश्य था कि इंसान को हमेशा मुक्त होना चाहिए, फ्री होना चाहिए, उसका दिमाग जो है ये आजाद होना चाहिए, ऐसा करने से वो सच की तलाश कर सकता है। इंसान जब तक मुक्त नहीं है, उसका दिमाग जब तक आजाद नहीं है, तब तक वो सच की तलाश नहीं कर सकता। और तथागत बुद्ध का तीसरा उद्देश्य था कि अंधविश्वास के सबसे शक्तिशाली स्तोत्र साधन को मिटाया जाए, शक्तिशाली बेड़ियों को काटा जाए, अंधविश्वास के इन बेड़ियों को मिटाया जाए। ये बेड़िया या ये शक्तिशाली साधन स्तोत्र ये इंसान के जांच करने के साहस को खत्म कर देती है, इंसान के जांच करने के साहस को मार डालती है। इसे तथागत बुद्ध ने इसे कम्म का सिद्धांत कहा, या कम्म का कानून, कम्म का नियम, कर्म का नियम, या कार्य कारण सिद्धांत तथागत बुद्ध ने इसे कहा। यह कार्य कारण सिद्धांत या कम्म नियम बुद्ध के धम्म का केंद्र बिंदु है। ये तर्कवाद सिखाता है। बुद्धिज्म क्या सिखाता है? तर्क करना, तर्कवाद। बौद्ध धम्म ये तर्कवाद सिखाता है, और बौद्ध धम्म तर्कवाद के अलावा और कुछ नहीं है, और इसलिए अलौकिक, पारालौकिक या प्रकृति के विरुद्ध जितनी भी चीजें हैं उनकी पूजा करना ये धम्म नहीं है। और इन अलौकिक शक्तियों में, चमत्कारों में, पराप्राकृतिक चीजों में विश्वास करना, विश्वास रखना ये धम्म का भाग नहीं हो सकता, ये धम्म नहीं है, ये अधम्म है। ये था आज का पहला चैप्टर। बने रही है अधम्म क्या है, इसके आने वाले चैप्टर्स को हम कल देखेंगे। आज आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए आप सभी लोगों का आभार। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय बुद्ध।